हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डूइंग। आज आप देख सकते हो चैप्टर नंबर 12 का वन शॉट रिवीजन लेके मैं आ गई हूँ आपके सामने। और अब थोड़ा सा देखते हैं कि इसको अगर चैप्टर 12 को पढ़ना है तो क्या ट्रिक, कैसे हैंडल करना है इस चैप्टर को। वैसे तो छोटा सा चैप्टर है, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी के लिए मैंने आपको कितना काउंसिल करा है रिगार्डिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ द यूनिट एज अ होल, है ना। तो आप भी समझ सकते हो कि कितना बहुत ज़्यादा वाला इम्पॉर्टेंट है ये यूनिट। और बार बार मैं आपको ये समझाती हूँ कि ये यूनिट आप पढ़ते पहली बार हो, आप कम अक्रॉस ही पहली बार होते हो, तो थोड़ा स्पेशल अटेंशन ये यूनिट मांगता है ना। तो उसी के साथ मैंने आपको जब लेक्चर्स पढ़ाए थे तब भी मैंने स्पेशल अटेंशन दिया था, तब भी बहुत बार यही बात बोली थी। वन शॉट ऑफ प्रीवियस चैप्टर इसी यूनिट का जब कराया था मैंने, तब भी मैं यही बात बोली और आज भी यही बोल रही हूँ, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि मैं कितनी सीरियस हूँ इस चीज़ को लेके, तो ध्यान रखना है ना। तो देखते हैं इसका वन शॉट। तो चैप्टर जो है वो स्टार्ट होता है आपका क्रिटिकल एरियाज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जो बायोटेक्नोलॉजी है इसके क्या क्या ऐसे क्रिटिकल एरियाज़ हैं जहाँ पर काम होता है, ठीक है। या यूँ कह सकते हो कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसमें फोकस किया जाता है। तो सबसे पहला तो है कि बेस्ट कैटलिस्ट बनाया जाए ताकि ऑर्गेनिज्म, मतलब यू मतलब माइक्रोब और प्योर एंजाइम कोई भी प्रोडक्ट हो, ठीक है, उसके लिए कैटलिस्ट, यानी क्योंकि प्रोडक्ट बनाना है, माइक्रोबियल होस्ट को यूज़ करके प्रोडक्ट्स बनाने हैं, तो क्या ऐसा हम सोर्स लेंगे, कैटलिस्ट लेंगे जो हमें ये प्रोडक्ट दे सके। तो उसके लिए इम्प्रूव्ड कैटलिस्ट, वो कैटलिस्ट काम तभी करेगा जब आप उसको ऑप्टिमम कंडीशन दोगे, दैट इज़ स्टेरिलाइज्ड कंडीशन देना होगा, और उसके बाद में डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। क्योंकि जो मतलब आपने कोई भी प्रोडक्ट जो है वो माइक्रोब में क्लोन करा, एंड आफ्टर क्लोनिंग, ठीक है, मतलब क्लोनिंग कराने के लिए सेकेंड कंडीशन है कि ऑप्टिमम कंडीशन आपने ये दिया जिससे कि वो क्लोनिंग उस कंडीशन में प्रॉपर हुआ। क्लोनिंग एक बार हो गया तो फिर जो प्रोडक्ट आपने करवाया है क्लोन इसके अंदर या जो बनवाया है उससे, वो प्रोडक्ट आपको लेना भी रहेगा, है ना। तो ये तीन मेन एरियाज़ हैं जिस पे बायोटेक काम करता है। और ऐसे कौन कौन से फील्ड्स हैं जो बायोटेक के बिना पॉसिबल ही नहीं हो पाता है, ये ज़रूर देखना है आप लोगों को, और यही दिया हुआ है इस चैप्टर में। देखो, बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस हमने इसके पहले वाले चैप्टर में देखा, जहाँ पे कैसे काम करता है, मतलब क्या प्रिंसिपल है बायोटेक्नोलॉजी, वो ये है क्या, वो समझा आपने पहले चैप्टर में। अब इस चैप्टर में उसकी एप्लीकेशन है कि जो चीज़ें हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी हैं वो कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकती हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन देखते हैं। तो सबसे पहला एप्लीकेशन देखो एग्रीकल्चर में है, एग्रीकल्चर है। दूसरा है मेडिकल फील्ड में है, मतलब डायग्नोस्टिक हो गया या थेरेप्यूटिक हो गया, तो ऐसे करके एग्रीकल्चर, मेडिसिन और क्रिएशन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो है उन जगहों पे काम आता है, ठीक है। तो देखते हैं एग्रीकल्चर का पहले दिया हुआ है, तो विल फर्स्ट चेक आउट दी एग्रीकल्चर। तो प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंगी, एनिमल, इन सब के जीन को अल्टर किया गया है, जिसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यानी कि देयर जीन्स हैव बीन मॉडिफाइड, ओके। अब मॉडिफिकेशन कैसे किया गया है, दो तरीक़ों से मॉडिफाई कर सकते हैं, या तो इनके अंदर जो ऑलरेडी प्रेजेंट जीन है उसको अल्टर कर दें हम, उसकी सीक्वेंस में थोड़ा बहुत चेंजेस ले आए, या फिर कोई फॉरेन जीन जो है वो इनके अंदर हम ऐड कर दें। तो या तो लेट्स ऐड फॉरेन जीन इनटू द प्लांट, या फिर उनके जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको मॉडिफाई करो। तो जो भी करा, इट्स जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, दो वेज में है। बाहर से अगर आपने जीन डाली है तो उसको हम कहेंगे ट्रांसजीनिक एनिमल्स या ट्रांसजीन्स, ठीक है। तो एडवांटेजेस ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन इन प्लांट्स, देखो हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको बताया भी गया है कि ग्रीन रेवोल्यूशन और ऑर्गेनिक फार्मिंग, इन सब ने मतलब ऑल्टरनेटिव तो ये अच्छे हैं एग्रीकल्चर के। मेनली दो तीन वे आउट बताए हैं आपको, एक तो है एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, एक है फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला,
और एक है जेनेटिकली मॉडिफाइड वाला, ये वाला, तो कौन सा बढ़िया है? तो एग्रोकेमिकल बेस्ड वाला तो ऑब्वियसली कभी कोई हाँ थोड़ी बोलेगा, क्योंकि एग्रोकेमिकल केमिकल यूज़ कर रहे हो, तो केमिकल्स तो कभी से भी फेवरेबल रहे नहीं हैं, है ना? हाँ, वो नीड ऑफ द आवर है, बट फेवरेबल नहीं रहता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग सही तो है, लेकिन उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, क्वांटिटी है, वो उतना नहीं हो पाता है यील्ड, जितना जो लोगों को नीडफुल जितना चाहिए उतना पूरा नहीं कर पाता। तो बचा क्या? जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो इसीलिए लोग GMOs आजकल ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और क्यों प्रेफर करते हैं? तो आप यहाँ देखो, मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू अबायोटिक स्ट्रेसेस, जैसे कोल्ड, ड्रॉट, सॉल्ट, हीट, किसी भी तरह का अबायोटिक स्ट्रेसेस, जो अबायोटिक यानी नॉन लिविंग स्ट्रेस, जैसे कि हीट, कोल्ड, सैलिनिटी, ड्रॉट, इन सब को प्लांट बहुत ही आसानी से झेल जाता है। दूसरा है, केमिकल पेस्टिसाइड पे रिलायंस कम कर देता है, डिपेंडेंसी कम कर देता है। तो पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स हम क्या करते हैं कि ऑलरेडी प्लांट के अंदर ऐसे जीन्स डाल देते हैं जो पेस्ट को खुद ही रेजिस्ट कर जाता है। तो हमें पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड स्प्रे करके उनको पेस्ट रेजिस्टेंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड का स्प्रे रुक गया। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, हार्वेस्टिंग करने के बाद जो ग्रेनरीज तक उसको लेके जाना और वहाँ स्टोर करना, उन सब में जो लॉसेस खूब होती है ना, स्टोरेज वगैरह के दौरान भी तो इम्प्रॉपर स्टोरेज मैकेनिज्म की वजह से बहुत लॉसेस होती है। आपने सुना होगा, इससे पहले, बहुत सालों पहले की बात है, अनियन वगैरह तरीके से रखे हुए नहीं थे, तो पानी वानी लगने से फंगस लग के वो पूरा का पूरा जो गोदाम था वो पूरा ख़राब हो गया। अब आप सोचो, तो आफ्टर हार्वेस्ट भी ऐसा नहीं है कि वो सेफ हो जाते हैं। तो इफ़ दे आर ऑब्टेन फ्रॉम अ GMO प्लांट, तो उनकी रेजिस्टेंट पावर अच्छी होती है, सो दे बियर दैट प्रॉब्लम। तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम होते हैं। मिनरल यूसेज की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है प्लांट्स की, मतलब प्लांट्स जो है वो तरीके से न्यूट्रिशन को यूज़ करता है सॉइल का। ये भी नहीं कि एक्सेसिव कर लिया और सॉइल को न्यूट्रिएंट एफिशिएंट बना दिया, नो, जितना ज़रूरी उतना करता है और उन्हीं से को एफिशिएंटली करता है, जितना लिया है सबको प्रॉपरली यूज़ करता है, एफिशिएंटली, बर्बाद कुछ नहीं होने देता और सॉइल क्वालिटी को पुअर नहीं होने देता है। सो दिस इज़ वन, एंड एनहैंस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ ऑफ फूड, यानी कि जो फूड की न्यूट्रिशनल क्वालिटी होती है वो भी ख़राब नहीं होती, वो अच्छी होती है। मतलब आपने देखा होगा आजकल विटामिन ए एनरिच्ड राइस, आजकल एक राइस आता है जिसमें विटामिन ए जो है वो अच्छे से भरपूर एनरिच्ड होता है, तो वो विटामिन ए एनरिच्ड राइस जो है वो बहुत फेमस हो रहा है आजकल। कॉस्टली है बट हाँ, न्यूट्रिएंट क्वालिटी। चावल में क्या मिलता है? सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, अब उसमें विटामिन ए वगैरह मिलने लग जाए तो क्या ही बात है, क्यों? तो ये सब जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स को यूज़ करके एग्रीकल्चर में अगर करते हैं तो ये सारे फायदे हैं जो हमें एग्रोकेमिकल बेस्ड और ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर, तो वन शुड गो फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। ठीक है, तो इसमें अब देख लेते हैं, सबसे पहला और सबसे फेमस प्लांट है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन क्या है? बैसिलस थुरिंजियंसिस। सो बैसिलस थुरिंजियंसिस, ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है जो कि वो प्रोटीन बनाता है जो टॉक्सिन उसके पास में, मतलब एक टॉक्सिन वो है, जीन होता है जो इफेक्टिव होता है लेपिडोप्टेरन, जैसे कि टोबैको, बर्डवॉर्म, आर्मी वॉर्म, कॉलियोप्टेरा, बीटल्स, डिप्टेरन, फ्लाइज और मॉस्किटो। ये क्या है? ये सब बच्चों आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर डिफरेंट ऑर्डर्स हैं। ठीक है, मतलब क्लास इंसेक्टा, इंसेक्ट के अंदर अलग अलग वो वाले कैरेक्टर्स वाले वो हैं, ग्रुप्स हैं। ठीक है, जैसे लेपिडोप्टेरा में आते हैं बर्ड वॉर्म वगैरह सब लेपिडोप्टेरन कहलाए, कॉलियोप्टेरा में बीटल टाइप ऑर्गेनिक इंसेक्ट्स को कॉलियोप्टेरा में डाल दिया, फ्लाइज और मॉस्किटो को डिप्टेरा में डाल दिया, ऐसा। ठीक है, तो यूं करके ये जो भी पेस्ट होते हैं
उनके अगेंस्ट ये बीटी जो जीन है वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो करा क्या इन्होंने, इन्होंने ये करा कि बीटी जो है वो एक टॉक्सिन जीन प्रोड्यूस करता है, और वो क्या होता है, क्रिस्टल्स होते हैं बेसिकली इनके पास ना, दे हैव दिस प्रोटीन क्रिस्टल जो बीटी के पास होता है, और वो क्रिस्टल के फॉर्म में होता है तो वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है बीटी के अंदर, बैसिलस थुरिंजियंसिस के अंदर, ठीक है। और इसमें मतलब टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होता है, मतलब बैसिलस थुरिंजियंसिस, ये हो गया बैक्टीरिया, ठीक है, इस बैक्टीरिया के अंदर होता है क्रिस्टल प्रोटीन्स। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इट इज़ टॉक्सिक इन नेचर एंड इज इंसेक्टीसाइडल एज वेल। तो बैसिलस थुरिंजियंसिस के अंदर क्रिस्टल प्रोटीन्स है जो टॉक्सिन होता है और टॉक्सिक होता है और इंसेक्ट्स के लिए इंसेक्टिसाइड का काम करता है, उनको मारता है, लेकिन इनके फॉर्म में ये क्रिस्टल प्रोटीन को हम कहते हैं प्रोटॉक्सिन। प्रोटॉक्सिन इसलिए क्योंकि ये इनएक्टिव फॉर्म में है, ठीक है। तो बैक्टीरिया को कुल मिला के मैं कहना चाह रही हूँ कि ये बैक्टीरिया को कुछ भी नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट्स के लिए इंसेक्टिसाइडल है, ठीक है। तो ये जो प्रोटॉक्सिन है ये इनको तो कुछ नहीं करते हैं बैक्टीरिया को, बट इंसेक्ट्स के लिए वो होते हैं, हानिकारक होते हैं। तो दीज प्रोटीन्स आर प्रेजेंट एज प्रोटॉक्सिन बट दे गेट एक्टिवेटेड व्हेन दे गो टू द इंसेक्ट गट। इंसेक्ट के गट में क्या होता है, पीएच अल्कलाइन इन नेचर होता है, तो अल्कलाइन पीएच की वजह से ये जो क्रिस्टल होते हैं ना ये सॉल्युबलाइज हो जाते हैं, सॉल्युबलाइज होने का मतलब ये एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। और एक्टिवेटेड फॉर्म में ये क्या करते हैं, वो मिडगट, उनके जो मिडगट एरिया होता है, फोरगट मिडगट हाइंडगट बोलते हैं बच्चों उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में इंसेक्ट्स के, तो मिडगट बीच वाले एरिया में क्या होता है कि एपिथीलियल सेल्स ना पोर्स क्रिएट कर देते हैं, उसके कारण उसकी स्वेलिंग हो जाती है, पोर्स क्रिएशन की वजह से फ्लूइड अंदर भर जाते हैं, फ्लूइड के भरने से वो स्वेल हो जाते हैं, स्वेल होने के बाद में वो बर्स्ट हो जाते हैं, इसलिए सेल लाइसिस हो जाता है एंड अल्टीमेटली इंसेक्ट्स की डेथ हो जाती है, ठीक है। सो स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस थुरिंजियंसिस जो कॉटन के प्लांट में ट्रांसफ़र किया गया है। कहने का मतलब ये बीटी टॉक्सिन जीन कॉटन के प्लांट में डाल दिया गया, अब कॉटन के प्लांट में वो जीन आ चुका है, तो अब ये कोई भी इंसेक्ट ये वाले ग्रुप के उनको परेशान करने जाएंगे तो वो जीन उनके अंदर आ जाएगा और फिर ये वाला जो स्टेप है ये पूरा हो जाएगा। तो पेस्ट कुल मिला के देख रहे हो कोई नुकसान नहीं पहुँचा पा रहा है हमारे प्लांट को। तो यहाँ आप देख सकते हो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड कुछ भी स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हमारे प्लांट के अंदर ही वो पेस्ट रेजिस्टेंट जीन होने की वजह से प्लांट जो है वो सेव हो जाता है। और जीन के बच्चों स्पेशल नेम्स होते हैं, ठीक है, बहुत ही रोबोटिक टाइप नेम्स होते हैं उनके। अब आप यहाँ देखो ये जो क्रिस्टल प्रोटीन है दे आर प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशल जीन्स कॉल्ड क्राई जीन्स, ठीक है। बैसिलस थुरिंजियंसिस के अंदर ये क्राई जीन्स होते हैं एंड दीज जीन्स आर कोडेड बाय क्राई 1AC, क्राई 2AB, ठीक है। और जैसे कि ये दोनों तो कॉटन बॉलवॉर्म को पढ़ने से रोकते हैं और क्राई 1AB जो है वो कॉर्न बोरर के लिए इफेक्टिव होता है, तो ये तो बीमारियां हैं इंसेक्ट्स हैं उनके अगेंस्ट क्राई 1AC, क्राई 2AB, तो यानी सब सारे क्राइजीन सब पे इफेक्टिव नहीं होते हैं, वो क्लासेस और ग्रुप्स यहाँ मेंशनड है, ये लर्न करके जाना, बोर्ड में भी बहुत बार पूछते हैं और बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं बच्चों कि उनको पता नहीं होता है कन्फ्यूजन के मारे, कुछ का कुछ इसको उसमें उसको इसमें कर देते हैं, तो थोड़ा ध्यान से हैंडल करना ये वाला पार्ट, ठीक है।
तो दिस वॉज बीटी टॉक्सिन, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. लास्ट टू लास्ट ईयर भी ये आया, नहीं लास्ट ईयर ही तो आया था ये वाले, कि कैसे किल करता है बताओ. तो किसी भी वे में आ सकता है, अब की बार हो सकता है जीन्स वाला आ जाए, ध्यान रखना. ठीक है, फिर इस चैप्टर की आता है जान, दैट इज़ आरएनए इंटरफेरेंस. बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों ये. आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है? ये अब पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट ही हम लोग क्रिएट कर रहे हैं. एक बीटी जीन के साथ हमने क्रिएट किया और दूसरा पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट हम बना रहे हैं यूजिंग द नीमाटोडा, सॉरी यूजिंग अ यूनिक मेथड ऑफ आरएनए साइलेंसिंग. आरएनए साइलेंसिंग क्या मेथड है? तो आरएनए साइलेंसिंग एक वो तरीका है जिसमें हम मतलब, और वहाँ पे तो खैर टॉक्सिन जीन डाल के हम मार तो रहे हैं, यहाँ पे हम मार नहीं रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जाओ तुम इन्फेक्ट करो, बस हम उनके इन्फेक्शन को कट कर देते हैं. वो क्या बोलते हैं, मतलब उनका जो एम होता है ना, जैसे वॉर वगैरह में भी एम होता है, तो उसको हम बस नाकाम कर रहे हैं उनकी कोशिशों को. ऐसा कोई भी बीमारी है, कोई भी चीज़ है, आप जानते हो जीन्स जो होते हैं जब तक वो प्रोटीन नहीं बनते वो एक्सप्रेस नहीं करते. तो अगर ये जो नीमाटोडा है, मेलोडिगा इन इनकॉग्निशिया, ये टोबैको प्लांट्स में प्रॉब्लमेटिक बीमारियां कॉज करता है ना, बहुत डिस्ट्रक्शन करता है. तो जो भी ये इन्फेक्ट करता है उनके रूट्स को, तो इन्फेक्शन कब करेगा? तो इन्फेक्शन वाली जीन जो इसमें है, वो जीन पहले प्रोटीन बनाएगा, फिर वो प्रोटीन इसके रूट्स को इन्फेक्ट करेगा. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वो जो इन्फेक्शियस इसका जीन है उसको जो इन्फेक्ट करने के लिए जो वो प्रोटीन बनाएगा, हम वो प्रोटीन बनने ही नहीं देंगे. तो ना ही वो इन्फेक्शियस जीन का प्रोटीन बनेगा और ना ही प्लांट इफेक्ट होगा. तो जब वो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कर रहा होगा तो हम ट्रांसलेशन होने ही नहीं देंगे, ये एम है. तो बहुत ही नॉवेल स्ट्रैटेजी है, बहुत डिफरेंट स्ट्रैटेजी है कि हम नीमाटोडा को नहीं मार रहे हैं, तुम जाओ वे इन्फेक्ट करो, कोई इशू नहीं है, हम भी इधर से अपना आर्मी भेजते हैं और आपको कट करेंगे आपके एमआरएनए को. ये है यहाँ पर बच्चों एम. तो प्रोसेस बाय विच डबल स्ट्रैंडेड आरएनए डायरेक्ट्स द सीक्वेंस स्पेसिफिक डिग्रेडेशन ऑफ एमआरएनए, ये मैंने आपको बताया. तो इसमें स्टेप्स देख लो आप, क्या है स्टेप्स. स्टेप्स इज, पहले डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इज प्रोड्यूस एंडोजीनसली और एक्स. पहले डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, जहाँ तक एंडोजीनसली ही है, क्योंकि आपकी बुक में लिखा हुआ है कि नीमाटोडा स्पेसिफिक जीन्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन सच अ वे, डीएनए को इंट्रोड्यूस किया जाता है इस तरीके से किया जाता है कि वो बॉडी में जाके सेंस और एंटी सेंस स्ट्रैंड बनाता है, और जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं डबल स्ट्रैंडर्ड बन गए. तो पहला स्टेप आ गया, डबल स्ट्रैंडर्ड आरएनए बनाओ. ठीक है, उसके लिए यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम किसकी मदद से करते हैं, यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर नीमाटोडा स्पेसिफिक जीन को प्लांट में इंट्रोड्यूस किया. अब यहाँ देखो ये लिखा हुआ है कि इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा है कि ये सेंस और एंटी सेंस आरएनए बनाता है, यानी दो अलग अलग डीएनए भेजो, एक सेंस स्ट्रैंड बनाएगा एक एंटी सेंस बनाएगा, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों ने डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना दिया. ठीक है, अब दीज टू आरएनए ऑफ कोर्स बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री दे फॉर्म डबल स्ट्रैंडेड आरएनए. अब ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है इसको होस्ट प्लांट में इंजेक्ट करो. ठीक है, आउटसाइड कॉल एक्सोजीनस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए. तो अब ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को प्लांट में जब डाल दिया, ठीक है, इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को प्लांट में करो, एक्सोजीनसली करो एंडोजीनसली कैसे भी करो, बस ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्लांट में चला जाए. अब जब चला जाता है तो अंदर जाने के बाद इसको पहले तो छोटे छोटे टुकड़ों में काटा, जिसको हम कहते हैं स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनएज, डाइसर ने उसको छोटा छोटा काट दिया. फिर उसके बाद में उनको रिस्क कॉम्प्लेक्स, आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स में वो करा, ठीक है, इंट्रोड्यूस करा वहाँ पे. गाइडेड बाय बेस कॉम्प्लीमेंटैरिटी ऑफ स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए द रिस्क टारगेट्स एम आर एन ए फॉर डिग्रेडेशन. अब यहाँ पे मतलब साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, ये जो डबल स्ट्रैंडेड आर एन ए गया था ना, उसको दो भाग में बांट दिया, मतलब सिंगल स्ट्रैंड कर दिया. एक को पैसेंजर स्ट्रैंड बोलते हैं, दूसरा गाइड स्ट्रैंड होता है.
पैसेंजर स्ट्रैंड डिग्रेड हो जाता है क्योंकि उसका कोई काम नहीं है। गाइड स्ट्रैंड जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है उसका, वो mRNA जो इन्फेक्शियस है निमाटोडा का, तो गाइड स्ट्रैंड वाला जो है वो जाता है और फिर वो उसको उसके साथ बाइंड करवा के उसके mRNA को साइलेंस कर देता है। दिस इज़ द होल प्रोसेस। तो आपको ध्यान रखना है, पहले डबल स्ट्रैंडेड RNA बनाओ, प्लांट में भेजो, अंदर जाके डबल स्ट्रैंडेड के छोटे छोटे टुकड़े हो गए, छोटे छोटे टुकड़े होने के बाद में उसको सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करा, सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करने के बाद में फिर पैसेंजर स्ट्रैंड एंड गाइड स्ट्रैंड बन गया, दो पैसेंजर डिग्रेड, गाइड स्ट्रैंड जो है वो चला जाता है उसको साइलेंस करने, ठीक है। एंड दैट्स हाउ mRNA साइलेंसिंग इज अचीव्ड, ठीक है। तो ट्रांसजेनिक होस्ट में ट्रांसजेनिक क्यों, क्योंकि आपने ये बाहर से इंट्रोड्यूस किया है, तो ट्रांसजीनिक। मैंने कहा था ना, दो वेज में GMO बना सकते हो, या तो उनके जीन को अल्टर करो या बाहर से जीन आप ऐड करो, तो हमने बाहर से डाला ना बच्चों। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है और यहाँ पे तो बहुत अच्छे से स्टेप वाइज यहाँ लिखा हुआ है, तो प्लीज़ फॉलो दिस, ठीक है। नेक्स्ट आ गया बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन। तो बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर में बच्चों हमने दो पढ़े हैं, एक तो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, दो, एक BT कॉटन के थ्रू और एक निमाटोडा मेलोडिगान इनकॉग्निशिया वाला, है ना, कैसे उसको mRNA साइलेंसिंग से रोकेंगे। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन मेडिसिन। तो मेडिसिन में देखो, इट एनेबल्स मास प्रोडक्शन ऑफ सेफ एंड इफेक्टिव थेरेप्यूटिक, यानी ऐसे ड्रग्स बनाने में हमें हेल्प करते हैं जो कि बहुत वो हैं, मेडिकली नीडेड हैं, थेरेप्यूटिक ड्रग्स, जैसे कि इम्यूनोलॉजिकल, बहुत सारे ऐसे, जैसे वैक्सीन्स हो गए, बहुत सारे वैक्सीन्स आजकल इस टेक्निक से बनाए जाते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स हैं, हॉर्मोन्स हैं, फैक्टर्स हैं, जैसे हीमोग्लोबिन के क्लॉटिंग फैक्टर है, ये सब आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं, ठीक है। एंड 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक ड्रग्स जो है वो अप्रूव किए जा चुके हैं, ठीक है। तो मेडिसिन, एग्रीकल्चर, ये सब ऐसे एरियाज हैं जो बिना बायोटिक के तो कुछ हो ही नहीं सकता इनका। अब देखो, इसमें हार्मोन, जैसे मैंने कहा ना, बहुत इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स और एंजाइम्स जो हैं वो बायोटिक की मदद से बनाए जाते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इंसुलिन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, दिस इज़ जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है जो क्या काम करता है, ये करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को डाउन करता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग डायबिटीज़ से सफर्ड हैं, इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा है, डायबिटिक पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो डायबिटिक में ज़रूरी नहीं कि लोग इंसुलिन थेरेपी से ठीक हो रहे हैं, मतलब जो माइल्ड डायबिटीज़ होता है, जो मेलिटस होता है, वो तो दवाइयों से हो जाता है, बट एक्सट्रीम केसेस में जहाँ पे इंसुलिन बिल्कुल ग्लूकोज कंट्रोल नहीं आ पा रहा है और 400 प्लस उनका लेवल चला जाता है, तो उस केस में जो है वो इंसुलिन लेना पड़ता है। अच्छा, अब इंसुलिन भाई कहाँ से लाएंगे, नेचुरली तो बॉडी बनाती है, आर्टिफिशियली कहाँ से लाएंगे। तो पहले मैंने आपको पहले भी समझाया है कि अर्लियर इंसुलिन जो था वो पिग या काऊ के इंसुलिन को लिया जाता था और वो पेशेंट्स को इंजेक्ट किया जाता था, बट अब इतने सारे काऊ और पिग्स को स्लॉटर करना भी पॉसिबल नहीं है, तो RDNA टेक्नोलॉजी ने कम से कम ये स्लॉटरिंग ऑफ काउज एंड पिग्स ये बंद करवा दिया है। अब जो भी है वो रिकॉम्बिनेंट तरीके से ही अब इंसुलिन बनाया जाता है। तो पहले समझते हैं नेचुरली कैसे बनाते थे या बॉडी में बनता है। तो नेचुरली बॉडी में बच्चों क्या होता है, ये प्रो इंसुलिन है। प्रो इंसुलिन का मतलब है अर्ली इंसुलिन। तो उसमें तीन चेन्स है, एक तो ए पेप्टाइड है, दूसरा बी पेप्टाइड है और तीसरा सी पेप्टाइड है। ये तीनों जो है वो प्रो इंसुलिन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और मैच्योर इंसुलिन में सिर्फ ए और बी डाइसल्फाइड लिंकेज से बॉन्डेड होते हैं। मैच्योर इंसुलिन में आप देख सकते हो बीच का ये जो सी पेप्टाइड है वो नहीं होता है। तो बॉडी में नेचुरल तरीका है जिससे कि ए और बी को ज्वाइन कराएं और सी को फ्री करें, ये एक नेचुरल तरीका है, ठीक है।
तो ये होता है, लेकिन कंफ्यूजन ये हो रहा था कि नेचुरली बॉडी में तो तरीके हैं जिससे ये कर लेता है, बट आर्टिफिशियली अगर बनाना पड़े हमें तो आर्टिफिशियली हम इसको कैसे बना सकते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। तो फिर एक कंपनी आई एली लिली करके, 1983 में अमेरिकन कंपनी था। उन्होंने क्या किया, ए और बी चेन जो थे ना इनके, इसका और इसका सेपरेट सीक्वेंस डीएनए का निकाला और फिर उसको अलग अलग इकोलाइज में रिकॉम्बिनेंट डीएनए के तरीके से दोनों को क्लोन कराया। उसके बाद में आइसोलेट करके दोनों में डाइसल्फाइड बॉन्ड आर्टिफिशियली क्रिएट करा के फिर फाइनली इंसुलिन की चेन बना दी। क्योंकि नेचुरली तो ये कैसे करेंगे, फ्री पेप्टाइड हटाने का ऑप्शन सिर्फ नेचुरल बॉडी में होता है, आर्टिफिशियली करना डिफ़िकल्ट था। तो हम भी ह्यूमंस हैं भाई, हमारा भी दिमाग खूब चलता है, तोड़ निकाल ही लेते हैं और निकाल भी लिया। ठीक है, तो याद रखना है ईच इंसुलिन, जो प्रो इंसुलिन जो है वो तो तीन उससे बने हैं चेन से, बट एक्चुअल मच्योर इंसुलिन में सिर्फ ए और बी चेन है जो डाइसल्फाइड लिंकेज से लिंक्ड होता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में ए और बी चेन्स को कैसे कर लिया ये तो हमने देख ही लिया। तो इस तरीके से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ने इंसुलिन प्रोडक्शन करवाया। ओके बच्चों, और ये है इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान से पढ़ना इसको। आफ्टर इंसुलिन प्रोडक्शन एक और बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट लॉन्च हुआ बायोटेक्नोलॉजी में, दैट इज़ द जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में क्या होता है कि डिफेक्टिव जीन को करेक्टिव जीन के साथ में रिप्लेस कराना, ये एम होता है। ठीक है, तो अब डिफेक्टिव जीन को करेक्टिव, सुनने में तो कितना इजी लगता है, सुनने में तो बहुत इजी लगता है कि है ना डिफेक्टिव जीन को करेक्टिव से कर दे, बट जो हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स हैं इन चीज़ों को मतलब बहुत डिफिकल्ट है बच्चों करना इसको, है ना। तो जीन्स आर बेसिकली कह भी रहा है कि जीन्स आर इंसर्टेड इनटू पर्सन सेल और टिश्यूज टू ट्रीट द डिजीज़, कि हम करेक्टिव जीन डाल के पर्सन की बीमारी को ठीक करते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है। जैसे कि इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है कि 1990 में 4 ईयर ओल्ड गर्ल थी जिसको एडिनोसिन डीएमआईनेस डेफिशिएंसी था। इससे जो बीमारी कॉज होता है उसको हम स्किड कहते हैं। स्किड क्या है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी स्किड, नहीं सिंड्रोम नहीं करेंगे, स्किड है, डी बोल रहे हैं ना, इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये है स्किड, ये बीमारी हो जाती है। तो इस बीमारी में बेसिकली बच्चा जो है वो सिवियरली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होता है। जैसे एड्स में होता है ना, एड्स में भी इम्यून सिस्टम हैम्पर्ड है, तो किसी को नॉर्मल जुकाम भी निमोनिया बन सकता है, इनके साथ भी वही होता है। बट वहाँ एड्स में इम्यूनो डेफिशिएंट होने का रीज़न कुछ और है, एचआईवी है रीज़न, यहाँ पर इम्यूनो डेफिशिएंट होने का रीज़न जो है वो है एडिनोसिन डीएमआईनेस एंजाइम की डेफिशिएंसी। ये एंजाइम क्या काम करता है, ये एंजाइम जो है वो हमारे जो वो है होते हैं ना लिम्फोसाइट्स, उनका प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर ब्रेक डाउन ऑफ डी ऑक्सी एडिनोसाइन इंटू यूरिक एसिड्स। ठीक है, तो इन द एब्सेंस ऑफ एडीए टॉक्सिक डी ऑक्सी एडिनोसिन इज एक्यूमुलेटेड एंड दे डिस्ट्रॉय टी सेल्स एंड बी सेल्स। तो बेसिकली ये एंजाइम यूरिक एसिड को इकट्ठा इन द सेंस डी ऑक्सी एडिनोसिन थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, तो इसको इसके एक्यूमुलेशन से हमारे टी सेल्स और बी सेल्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं। तो इम्यून सेल्स के बेसिकली बनने के लिए एडिनोसिन डीएमआईनेस बहुत ज़रूरी है। अब यूरिक एसिड बन जाता है, यूरिक एसिड तो बॉडी यू डाइजेस्ट कर जाता है, लेकिन डी ऑक्सी एडिनोसिन का बॉडी में होना अच्छी बात नहीं है, तो इसको ब्रेक डाउन करके यूरिक एसिड एडीए कर देता है। बट अब ये है नहीं, तो बॉडी में डी ऑक्सी एडिनोसिन खूब इकट्ठा हो रहा है और इसके इकट्ठे होने से टी सेल्स और बी सेल्स डैमेज हो रहे हैं। टी सेल्स और बी सेल्स डैमेज हो रहे हैं तो इम्यूनोलॉजिकली पूरा कॉम्प्रोमाइज हो गया, बच्चा अलाइव ही कैसे रहेगा। तो
ये है प्रॉब्लम। अब ये क्यों हुआ? तो एडिनोसिन डीएमआईनेस मतलब एक जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया, क्योंकि वहाँ डिलीशन हो गया, जीन ही डिलीट हो गया क्रोमोसोम में। तो अब जीन है ही नहीं क्रोमोसोम में, तो बॉडी बनाएगा कैसे? तो ये प्रॉब्लम आया ना, ठीक है। तो अब इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? तो ट्रीटमेंट अपने को बता रखा है कि ट्रीटमेंट जो है, एक तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, लेकिन बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में भी डोनर की बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, तो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। देन एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी है, जिसमें कि रिपीटेड इंजेक्शंस ऑफ एडीए देने पड़ते हैं। तो ये भी आप देख रहे हो, रिपीटेड इंजेक्शन देते रहो और एंजाइम वही आर्टिफिशियली, जैसे इंसुलिन बनाया गया वैसे ही एंजाइम्स भी बनाए जाते हैं, तो कितना इंजेक्शन लगाएंगे भाई। देन थर्ड एक ऑप्शन है जो थोड़ा सा रिलायबल है बट परमानेंट नहीं है, परमानेंट तो कोई सा भी नहीं है। इसमें क्या कर सकते हैं, लिम्फोसाइट्स को बाहर लिया, पेशेंट की लिम्फोसाइट को हमने निकाला और लैब में कल्चर किया, लैब में ग्रो किया, ठीक है। लैब में ग्रो करने के बाद में क्या हुआ कि उसमें फंक्शनल एडीए या सीडीएनए इज देन इंट्रोड्यूस्ड इनटू दीज लिम्फोसाइट्स, क्योंकि रेट्रोवायरस वेक्टर लिया है बच्चों हमने। सीडीएनए क्यों यूज़ हो रहा है? क्योंकि हमने रेट्रोवायरस यूज़ किया है, रेट्रोवायरस में आरएनए जीनोम होता है, हम चाहते हैं वो डीएनए लॉन्च करे, तो आरएनए से सीडीएनए बना के, इसीलिए समझ रहे हो। तो दैट इज वाई सी इज कॉम्प्लीमेंट्री हियर, सीडीएनए का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, यानी आरएनए से डीएनए कन्वर्टेड वाला डीएनए जो होता है वो सीडीएनए कहलाता है। तो वो हमने लिम्फोसाइट्स में बाहर, मतलब लिम्फोसाइट्स बाहर निकाला पेशेंट से, लैब में कल्चर में ग्रो करा लिम्फोसाइट को, उसमें हमने रेट्रोवायरस की मदद से फंक्शनल जो सीडीएनए होता है वो लॉन्च कर दिया उसमें, फिर अब उस लिम्फोसाइट को वापस बॉडी में डाल दो। तो ये अच्छा एक ऑप्शन है, लेकिन लंबा ये भी नहीं टिकता है, क्योंकि लिम्फोसाइट्स जिसको कल्चर किया था आपने बाहर लैब में, उसकी एज ज़्यादा नहीं होती, कुछ महीनों की ही होती है। तो फिर ऑब्वियसली आफ्टर वो जब लिम्फोसाइट्स मर जाते हैं तो फिर वापस वही काम करो। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन या एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी या लिम्फोसाइट कल्चर जिसमें सीडीएनए रेट्रोवायरस की मदद से डालते हैं, ये सारे ऑप्शन जो हैं वो परमानेंट नहीं हैं, ठीक है। तो परमानेंट क्योर सिर्फ एक हो सकता है कि अगर ये प्रॉब्लम अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही पता लग जाए, तो अर्ली स्टेज में पता लगने पे उस समय अगर फंक्शनल सीडीएनए डाल दो ना लिम्फोसाइट्स में, बॉडी में एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, तब तो वो फिर ज़िंदगी भर रह जाएगा। लेकिन अगर उस समय नहीं डाला तो फिर बाद में फिर यही तरीके अपनाने पड़ते हैं। बट देखो, फिर भी देखो कितना पॉसिबल ट्रीटमेंट, कितना कोई चीज़ जो बॉडी में है ही नहीं उसको समहाउ बॉडी में कैसे पहुंचाया जा रहा है। तो दिस इज़ जीन थेरेपी, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है कि भाई क्यों इसको बोला जाता है जीन थेरेपी, परमानेंट क्योर क्यों नहीं है एंड ऑल दैट स्टफ, दे कीप आस्किंग, सो यू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, ठीक है। नाउ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, तो इसमें हम देखेंगे अर्ली डिटेक्शन, मतलब मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन। यहाँ पे दो मेन टेक्निक्स दिखाए गए हैं, एक PCR है और एक ELISA है, ठीक है। तो दोनों ही टेक्निक से क्या होता है, अर्ली डिटेक्शन जो है वो हो पाता है, ठीक है। कन्वेंशनल मेथड जो सीरम और यूरिन एनालिसिस से करते थे, उससे क्या है, अर्ली डिटेक्शन चीज़ों का नहीं पॉसिबल हो पाता है। बट विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, PCR, ELISA, हम लोग क्या कर सकते हैं, अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं। तो अगर कोई भी वायरस हमारी बॉडी में प्रेजेंट है तो उसके डीएनए को एम्प्लीफाई करके हम वो कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि ये बॉडी में है या नहीं है। RT-PCR सुना ही होगा आप लोगों ने, है ना। तो इससे पता लग जाता है कि प्रेजेंस ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म इज देयर इन आवर बॉडी और नॉट, ठीक है। तो PCR आपने सुना ही होगा पिछले उसमें, दिस इज कॉल्ड एज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो कोई भी डीएनए को एम्प्लीफिकेशन करता है PCR, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। मान लो कोई वायरस है बॉडी में, बैक्टीरिया है बॉडी में, बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन पे, अभी अपने को पता नहीं है कि ये है भी कि नहीं बॉडी में, क्योंकि सिम्टम्स आते नहीं हैं, है ना। तो पता कैसे लगेगा, तो
आइसोलेट करने के बाद अगर हमने उनका वो कर लिया, डीएनए एम्पलीफाई करके चेक कर लिया, तो पता लग जाएगा ना, अच्छा ये है बॉडी में और अपने को तो पता ही नहीं है ऐसा। तो दिस इज़ हाउ पीसीआर हेल्प्स इन डायग्नोसिस, अर्ली डायग्नोसिस। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए स्टैक्ड विथ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, प्रोब बोलते हैं ना बच्चों, प्रोब याद है, प्रोब्स आर ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, आपको लिखवाया था मैंने, प्रोब्स आर ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड यानी 2 से 8 नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस होता है, लेबल्ड विथ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, क्योंकि इनके सीक्वेंस हमें पता होते हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो हम इनके छोटे छोटे प्रोब्स बना के रख लेते हैं, इनको रेडियो एक्टिवली लेबल कर देते हैं। उससे फ़ायदा यह होता है कि अपने को सीक्वेंस पता रहते हैं, तो जहाँ भी जाके बाइंड करेंगे ना कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस पे, तो रेडियो एक्टिविटी है वो थोड़ा सा चमकेंगे, तो हमें पता लग जाएगा अच्छा ये यहाँ जाके बाइंड हुआ है, तो इससे कॉम्प्लीमेंट्री है, तो उसका सारा चिट्ठा निकल जाएगा। ये होते हैं प्रोब्स। तो इसमें हम यही करते हैं कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए को रेडियो एक्टिविटी से लेबल कर दिया, और फिर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, जहाँ भी जो भी डीएनए आपने आइसोलेट कर रखा है, उससे हम इसको लेबल करवा देते हैं। एंड द क्लोन हैविंग म्यूटेटेड जीन इज अनेबल टू मेक कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्डिंग ऑफ प्रोब, हेंस नॉट अपियर्स इन फोटोग्राफिक फिल्म। तो अब जैसे कि प्रोब तो होता है बिल्कुल नेचुरल नॉर्मल वाला, अब नॉर्मल वाले का थोड़े ना प्रोब हम बनाएंगे, हम तो जैसे नेचुरल नॉर्मल जीन की प्रोब बनाएंगे। अब ये बाइंड तो हुआ, लेकिन अनेबल टू मेक कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्डिंग, मतलब प्रोब तो नॉर्मल है, लेकिन अगर ये हमें पता है डाउटफुल वाला जीन, तो हमें पता है कि ये प्रोब वहाँ जाके बाइंड करना चाहिए, लेकिन नहीं कर पाता है, तो हमें समझ में आता है ना, अच्छा यहाँ पक्का से चेंज आया है, म्यूटेशन आया है, इसीलिए मेरा प्रोब वहाँ जाके बाइंड नहीं कर पा रहा है। आप अभी जैसे वायरसेस जो हो रहे हैं, उसमें कैसे पता लग रहा है कि पुराने वायरसेस और अभी के वायरसेस में जो इनिशियली जो वेरिएंट्स आए थे कोविड के, SARS-CoV के, और अब वाला डिफरेंट है, ये कैसे पता लग रहा है? तो ऐसे ही तो पता लग रहा है ना जीनोम सीक्वेंसिंग में, अच्छा पहले तो ये था, अब म्यूटेशन के बाद ये चीज़ गायब हो गई, ये नई चीज़ आ गई, जिसकी वजह से वो या तो या और ख़तरनाक हो गया या और माइल्ड हो गया, वॉट एवर, है ना। तो ये है, सो दिस इज़ हाउ पीसीआर हेल्प्स अस इन अर्ली डिटेक्शन। पीसीआर के अलावा जो दूसरा है अर्ली डिटेक्शन में, वो है एलाइजा। एलाइजा इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, ये काम करता है एंटीजेन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे काम करता है, जिसमें क्या करते हैं कि एक चिप ली जाती है, छोटा सा लैब का जो चिप आता है, उसमें वेल्स होते हैं ऐसे करके। ठीक है, और इस वेल में जो सस्पेक्टेड का सस्पेक्ट जो होते हैं किल्ड, या तो एंटीजन डाल दी, जैसे एचआईवी मान लो टेस्ट करना है, तो किल्ड एचआईवी जो भी होते हैं वो रख दिया उसके अंदर, और जिस भी आदमी का, जिस भी और मेल फीमेल जो भी है, जिनका भी टेस्ट करना है, उनका ब्लड सैंपल उसमें लोड करा। अब जिस भी ब्लड सैंपल में एचआईवी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन चुकी होगी, तो ऑब्वियसली एंटीबॉडी और ये एंटीजन जो हमने इसमें डाला है, वो दोनों बाइंड कर जाएंगे, तो अपना रिएक्शन पॉसिबल होगा। अब ये एंजाइम मीडिएटेड होता है, ये जो भी एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच का रिएक्शन होता है, ये एंजाइम से मीडिएटेड होता है, इसीलिए दोनों के इंट्रैक्शन को एंजाइम मीडिएट कराता है, दैट्स वाई एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, ऐसे का मतलब टेस्टिंग होता है। तो क्योंकि देखो, हमारी बॉडी भले वो इफेक्टिव एंटीबॉडी बनाए या ना बनाए, मतलब कितना कारगर है वो बाद की बात है, लेकिन एक बार के लिए बॉडी अगर कोई फॉरेन पार्टिकल अंदर जाता है, तो उसके अगेंस्ट ज़रूर से बॉडी रिएक्शन देता है और एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। हमारा काम उन्हीं एंटीबॉडीज़ को चेक करना है कि बॉडी में अगर एंटीबॉडी बन गई है, तो यानी कि वो पैथोजन बॉडी में है, सीधा सा बात है। तो वही यहाँ पर हम एंटीजन को यहाँ डाल के और उनकी ब्लड सैंपल डाल देते हैं, एंटीबॉडी अगर बना हुआ होगा तो ज़रूर बाइंड करेगा, नहीं बना हुआ होगा तो बाइंडिंग नहीं करेगा, दैट्स इट, सिंपल सा हिसाब है। तो ऐसी चीज़ों में क्या है कि लो कॉन्सेंट्रेशन में अगर वायरसेस होंगे या बैक्टीरिया जो भी है,
तो इस तरीके से क्या है, हमें अर्ली डिटेक्शन में हेल्प हो जाता है एंड वी गेट टू नो कि कितना बॉडी में वो है। तो दिस इज़ हाउ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में आपको ये दो चीज़ें मेन पढ़नी है। बाकी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है वो तो वैक्सीन प्रोडक्शन को लेके आप पढ़ सकते हो कि अलग अलग वैक्सीन एंजाइम जो हैं वो उस टेक्निक से बनते हैं। दैट्स इट आई गेस। तो रिमेंबर दीज टू, पीसीआर एंड एलाइजा। पीसीआर में कैसे जेनेटिक डिसऑर्डर कैसे हम डिटेक्ट कर पाते हैं, ये पॉइंट्स नोट करना है आपको, ठीक है। और एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे मैंने बता ही दिया, एंटीजन एंटीबॉडी के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो एड्स, कैंसर, अदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स, दे ऑल कैन बी चेक्ड बाय दीज टेक्निक्स, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आते हैं चैप्टर के, और वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल्स यानी कि ये वो एनिमल्स हैं जिनमें एलियन डीएनए डाला जा चुका है। जैसे मैंने कहा ना कि दो तरीकों से जेनेटिकली मॉडिफाइड होगा, या तो उनके ओरिजिनल जीन में चेंज करो या फिर जो जीन उनकी बॉडी में है ही नहीं वो जीन हम डालें ऐसा। तो हम फॉरेन जीन अगर किसी ऑर्गेनिज्म में डाल रहे हैं तो क्यों डाल रहे हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल को क्रिएट करने का क्या रीज़न है। तो सबसे पहले रीज़न फॉर क्रिएटिंग ट्रांसजेनिक इज़ टू चेक नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। किसी भी ऑर्गेनिज्म का नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट चेक करना है तो पहले हम ट्रांसजेनिक्स में वो डालेंगे। जैसे कि मान लो कोई जीन हमें हमने हमारी बॉडी में कोई जीन है वो काम कैसे करता है, कोई एंजाइम बनाया, को कुछ भी बनाया, तो उसका पूरा प्रोसेस कैसे होता है। तो पहले डायरेक्टली ह्यूमंस में थोड़े ना यूज़ करेंगे, उसको हम यूज़ करेंगे इन ट्रांसजेनिक में। तो उससे हमें क्या पता लगेगा, ये देखो, एक तो हाउ द जीन्स आर रेगुलेटेड, कैसे रेगुलेट होता है, इसका नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग में कैसे अफेक्ट, क्या कितना अफेक्ट करता है। जैसे नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट, जैसे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर अगर हमने लिया तो वो बॉडी पे कितना, मतलब आर्टिफिशियली हमने इसको बना तो लिया, अब इसको बॉडी में जब हम डालेंगे तो ये कितना किस तरीके से असर ला रहा है बॉडी में, ये चेक करके फिर ही हम दूसरे लोगों को देंगे ना। तो उसके लिए हमें इसको पहले हमें ट्रांसजेनिक्स में डालना होगा। तो ट्रांसजेनिक्स में डाल के पहले ये चेक कर लिया जाता है कि उनका बॉडी फंक्शन कैसे होता है, वो जीन कैसे रेगुलेट करते हैं, ओवरऑल क्या इफेक्ट आता है बॉडी पे, ये सारा हमने देख लिया। सो एनिमल्स आर मेड ट्रांसजेनिक टू नो द बायोलॉजिकल इफेक्ट एंड द रिजल्ट, कि जो भी चीज़ें ये बनाई गई है इसका क्या असर आ रहा है नॉर्मल बॉडी में, कितना कहाँ दिक्कत दे रहा है या कितना सही कर रहा है, कर क्या रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हमें ट्रांसजेनिक एनिमल्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, टू स्टडी नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट रीजंस फॉर मेकिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर ट्रांसजेनिक, और हमें क्यों चाहिए बच्चों, तो हमें चाहिए फॉर स्टडी ऑफ डिजीज़। कोई भी बीमारी है जैसे कैंसर है, तो कैंसर पे स्टडी कैसे करोगे आप जब तक कि कोई कैंसर पेशेंट सामने आए ना। अब ह्यूमंस के ऊपर देखो रिसर्च डायरेक्टली ऐसे एथिकली थोड़ा अलाउड नहीं हो पाता, तो किसी भी ट्रांसजेनिक एनिमल को जानबूझ के कैंसर हो या सिस्टिक फाइब्रोसिस हो या रूमाटॉइड आर्थराइटिस या अल्जाइमर्स डिजीज़, ये जानबूझ के इंड्यूस कराएं हम, ताकि उनमें वो बीमारी होने के बाद उसको ट्रीट कैसे करेंगे उस पे फोकस किया जा सके, ठीक है। तो जैसे कि बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनमें जानबूझ के कैंसर, चूहे वगैरह, सबसे ज़्यादा तो मेनली माइस ही हैं ट्रांसजेनिक, जिनमें ये सारी बीमारियां जानबूझ के इंड्यूस करवाई जाती हैं। फिर उनको जब ये बीमारियां हो जाती हैं तो फिर क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं, किस तरीके से वो काम करते हैं, कौन सा मेडिसिन उन पे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, कौन सा नहीं होगा, वो सारा स्टडी फिर ये करते हैं और फिर ह्यूमंस पे वो एप्लीकेबल होता है। तो पहले दे डू इट ऑन दीज एनिमल्स। तो कोई भी बीमारी का इलाज निकालना हो या बीमारी के बारे में डिटेल जानना हो तो हो गया। देन देर इज़ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, जैसे कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स को हम यूज़ कर सकते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग दीज इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स, जैसे कि अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन, ये एम्फाइसीमा को ट्रीट करता है। तो ये हम, वो आपने वहाँ देखा होगा ना, रोजी काओ, रोजी काओ दिख रहा है, इट प्रोड्यूसेस
2.4 ग्राम पर लीटर मोर एनरिच्ड प्रोटीन, ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्बुमिन ये प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क देता है जो नॉर्मल काउ नहीं दे सकता है। तो हमने रोजी को, ट्रांजेनिक रोजी को बनाया ही इसीलिए कि हमें ये मिल्क थोड़ा सा ज़्यादा प्रोटीन वाला दे सके। उसी तरीके से ऐसा एनिमल हम बना रहे हैं जो हमें अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन नाम का मॉलिक्यूल बना के दे दे, जिससे एम्फाइसीमा एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जिसमें गैशियस एक्सचेंज का सरफेस एरिया जो है ना एल्वियोली, वो उसका एरिया कम पड़ जाता है एक्सचेंज का स्मोकिंग वगैरह की वजह से, तो उसको ट्रीट करने के लिए मॉलिक्यूल चाहिए। तो ये मॉलिक्यूल भी हम एनिमल्स में बनाते हैं एंड प्रोटीन्स भी बनाते हैं, जैसे कि फिनाइल कीटोनूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसे बीमारियों को ठीक करने के लिए जो प्रोटीन्स नीडेड होती हैं वो प्रोटीन्स भी हम एनिमल्स में ही बनाते हैं। तो एनिमल में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो वाले प्रोटीन का जीन एनिमल में डालना पड़ेगा। तो जैसे ही आपने बाहर का जीन उन एनिमल में डाला, आपने ट्रांसजेनिक बना दिया, सिंपल। ठीक है, ये दो पॉइंट्स तो और भी आसान है। वैक्सीन सेफ्टी, अब कोई भी वैक्सीन बनती है बच्चों तो डायरेक्टली ह्यूमंस पे ट्राई तो नहीं करते ना, दे डू इट ऑन माइस एंड अदर एनिमल्स। तो उसकी टेस्टिंग उन माइस पे उन या एनिमल्स पे कर लेते हैं ताकि वहाँ से सेफ होए, देन दे मूव टू एनिमल। जैसे पोलियो वैक्सीन को पहले माइस पे टेस्ट किया गया था, फिर जब यहाँ सक्सेसफुल हुआ फिर ह्यूमंस पे आए थे। उसी तरीके से कोई भी केमिकल दवाइयाँ जो बनाते हैं तो दवाइयों को भी डायरेक्टली ह्यूमंस पे नहीं लेके आते हैं, वो दवाइयों को भी पहले टॉक्सिसिटी और सेफ्टी का पहले टेस्ट होता है एंड उनका कितना क्या टॉक्सिक लेवल, कितना इफेक्ट होता है ये सब पहले चेक हो जाते हैं, देन इट इज़ प्रोसीडेड फर्दर। ठीक है, तो ये वाला पार्ट ना बच्चों कॉमन है, ये आप सब भी जानते हो कि कोई भी चीज़ जो है वो पहले एनिमल्स पे ट्राई होगा फिर ह्यूमंस पे आएगा, सीधी सी बात है। बस ये वाला पार्ट थोड़ा डिफरेंट है कि जहाँ हम यूज़फुल प्रोडक्ट जो है वो एनिमल्स में ही बनवा रहे हैं बाय क्रिएटिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स, तो ये थोड़ा डिफरेंट है। ये लर्निंग वाइज भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी ये थोड़े ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, देन कम्स द फाइनल पार्ट। फाइनल पार्ट में आपका एथिकल इश्यूज करके है। एथिकल इश्यूज में देखो ये कहते हैं कि सिंस वी आर डिस्टर्बिंग द नेचर, नेचर के साथ हम चेंजेस करने जा रहे हैं तो एथिकली हमें अलाउड नहीं है, आई मीन हु आर वी एंड हाउ डेयर वी डू दैट, राइट। तो इसीलिए बहुत संभल के काम करना चाहिए, नहीं तो आज आपके एनिमल को वो करोगे तो पीटा वाले आ जाएंगे या वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वाले आ जाएंगे, सब आपके ऊपर धरना दे के बैठ जाएंगे, है ना। तो बहुत सोच समझ के करना होता है, इसीलिए देयर इज़ अ बॉडी कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये कमेटी जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने सेट करा है ताकि जो भी हम एनिमल्स पे रिसर्च कर रहे हैं, अभी जो भी इससे पहले आपने ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में पढ़ा है, वो सारा चीज़ एक बार टेस्ट हो जाए और मतलब कितना सही है, वैलिडिटी कितनी है। अगर बिल्कुल सही है और बिल्कुल क्या बोलते हैं, ज़रूरी है और बहुत ही ऑथेंटिक है, तब तो वो अलाउ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो इसीलिए GEAC से पहले परमिशन लेनी होती है। ठीक है, उसके बाद में ये जितने भी हमने काम अभी करे, क्योंकि रोज़ आए दिन नए रिसर्चेस चलते रहते हैं, नए नए चीज़ें बनती रहती हैं, तो हमेशा इन चीज़ों का पेटेंट करा लेना चाहिए। पेटेंट क्या है, ये राइट होता है जो गवर्नमेंट अलॉट करता है इन्वेंटर को, ताकि इन नियर फ्यूचर वो सिर्फ उसी इन्वेंटर के नाम से आगे फेमस होए या जाना जाए। तो अब लोग क्या करते हैं, पेटेंट्स जो है वो करा खोजा, इन्वेंट तो किसी और ने किया, लोग अपने नाम से पेटेंट करवा के आ जाते हैं, ये बहुत होता है बच्चों। इसलिए आप लोग भी अगर कुछ इन्वेंट करो तो पेटेंट पहले करा लेना। और बायोलॉजिकल एंटिटीज़ के लिए तो पेटेंट्स जो है वो बायो पेटेंट कहलाते हैं। 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटी। अब बासमती का बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मामला है, बासमती बेसिकली इंडियन वेराइटी है, इंडिया में बनता है, इंडिया मतलब वी आर द होल एंड सोल ओनर्स ऑफ बासमती। लेकिन US ने क्या किया, इंडियन बासमती को उनके कोई एक वेराइटी के साथ में क्रॉस कराया और कुछ बहुत ही बढ़िया निकाल दिया, और बढ़िया निकालने के बाद में अपने नाम से पेटेंट करवा लिया, और नाउ इंडियन ओरिजिन का बासमती राइस उनके नाम से आता है। सोचो, तो दिस इज़ सो वेरी बैड, है कि नहीं है। और इसीलिए अपने को जो इंडियन आयुर्वेदा है, जो तुलसी, नीम, टर्मरिक, इनसे इन पे भी खतरा मंडरा रहा है, तो वन शुड, इंडिया शुड डू इट। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम पेटेंट का, है ना।
और एक टॉपिक है लास्ट में आपका बायोपायरेसी। इसमें होता ये है कि बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं या कंट्रीज जो होती हैं, वो दूसरे पुअर कंट्रीज के रिसोर्सेज को बिना उनको प्रॉपर पेमेंट के, बिना उनको किसी तरीके का लीगल परमिशन के, बिना बस अनऑथोराइज्ड यूज़ करते हैं। तो जब ऐसा करते हैं देन इट इज़ कॉल्ड बायो पायरेसी। तो ये पायरेसी वाला तो आप भी जानते हो, कैसे पायरेटेड मूवीज़ भी आती है ना, लोग हॉल में देखने जाते हैं और बैठे बैठे मोबाइल से रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर यूट्यूब पे डाल दी, बन गया पायरेटेड। तो दिस इज़ नॉट राइट। तो बिना ऑथोराइज परमिशन के रिसोर्सेज को यूज़ करना इज़ बायो पायरेसी, ठीक है। और इंडियन गवर्नमेंट ने अब तो करे हैं बहुत सारे वो करे हैं, अमेंडमेंट्स करे हैं, जिससे चीज़ें थोड़े कंट्रोल तो हुए हैं। बट ये आपका चैप्टर है, ठीक है। इस चैप्टर में देखो मेन कॉन्सेप्ट जो लर्न करना है वो है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, इन मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, इन प्रोडक्शन ऑफ मतलब मेडिसिन वाले में थेरेप्यूटिक्स, जैसे कि इंसुलिन प्रोडक्शन या जीन थेरेपी। ये वाले एस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यूनिट का मार्क्स भी बहुत सारा है, मतलब 14-11 नंबर है, 2 चैप्टर 11 नंबर। तो अच्छे खासे क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं दोनों चैप्टर से। तो जैसे वन शॉट में मैंने मेन 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 की पॉइंट्स को यहाँ हाईलाइट किया है ना, ऐसे करके कर लो तो एक बार में तो कम से कम ये चैप्टर डैम क्लियर हो जाएगा। आई एम वेरी मच श्योर अबाउट इट, ठीक है बच्चों। तो अब ध्यान से इसको देखिए, पढ़िए, समझिए, एंड वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। तो कोई भी डाउट प्रॉब्लम हो फटाफट से मेंशन करिए एंड इट विल बी सॉल्व राइट देयर। ऑन दिस नोट, इट्स अ गुड बाय चिल्ड्रन, टेक केयर।